दबोह कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले दूरसंचार केंद्र के द्वारा जो सुविधाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती हैं, उन सुविधाओं में खलल पैदा करके सामान की चोरी करने वाले एक चोर को दूरसंचार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मॉनिटरिंग करके गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। तो वहीं उस चोर को पकड़े जाने के बाद उसे पुलिस के हवाले भी किया गया है। दरअसल यह चोर तांबे और एल्युमिनियम के बॉक्स जो पोल पर लगे हुए रहते थे उनको चोरी कर लिया जाता था और इनको चोरी किए जाने के बाद दूरसंचार की सेवाएं प्रभावित होती थी। इसकी जानकारी दूरसंचार विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की और एक चोर को पकड़ा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि एक और साथी फरार हो गया है। वहीं जिस चोर को पकड़ा गया है उसको पुलिस के हवाले किया गया है, तो वहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इस मामले में क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, आपको सुनाते हैं। ब्रेड रिपोर्ट एसीएन न्यूज। जी सर, तो आप ये क्यों, आपने क्या बताया था वहाँ पे लोगों को, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए? कोई पूछता ही नहीं था सर। इस बार पूछा तो क्या बताया था आपने? इस बार पूछा तो हमने उन्हीं का नाम बताया, सत्यन भैया का। क्या नाम है पूरा? सत्यन नाम है उनका। तो कहाँ रहते हैं वो? जी नहीं है ना उनका मोबाइल नंबर, अभी तो हमें चाय की दुकान में मिल जाता है। 350 रुपया दे रहे, चल रहे तुम भी हड्डी सी भर टोर कर ले आए करे तुम। तो आज पकड़ गए? जी सर। इसके पहले कितनी चोरियां की हैं बीएसएनएल? सर 3 जगह की टलवाई उनने। कितने? 3 जगह, एक सिविल वार्ड में सर और एक मुकेश कॉलोनी में और ये 30 की। अच्छा, इसके बाद और आगे तोड़ दे? जी सर। कहाँ रहते हो आप? यहीं इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ सर। और भी चोरियां करते हो कि यही बात? नहीं सर, उनने 350 रुपये दे देते चल रहे जी हड्डियाँ वाले आज उन्होंने, हमने उनसे पूछी भी कि को मतलब कहा है, चल रहे जब सीरीज लगी कल तो मैं 350 से मतलब है, हमने 350 दो फिर चल रहे चाहे 12 टोर हो या 13 टोर ले के आंसू पनी में बांध के बैग में धार के उन्होंने दे देते। आपको पता था ये चोरियाँ कर रहे हो आप? सर वो तो हमारी गलती है सर, लेकिन हम तो जा समझते ये ठेकेदार आए। मैं शैलेंद्र असाटी, दूरसंचार जिला अभियंता दमोह। अभी क्या हुआ कि विगत कुछ दिनों से हमारे यहाँ देख रहे थे जो सिटी में जो है दमोह सिटी के अंदर जो पिलर लगे हुए थे, पिलर का मतलब है जिसमें से केबल जाती है और वहाँ से फिर कस्टमर के लिए जो लाइन के कनेक्शन जाते हैं, तो उन पिलर में ना चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। चोरी का तात्पर्य कि उसमें से केबल कट जाती थी, सिटी बॉक्स निकल जाते थे जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर के बने रहते थे और जो काफ़ी महंगे होते थे। तो फिर हमने इस चीज़ को वॉच करना चालू किया और हमारी लाइन स्टाफ जब यहाँ पर कार्य कर रहे थे तो जटाशंकर के पास एक पिलर में एक चोर को रगे हाथ पकड़ा और उसी की फिर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आज यहाँ पे थाने में आए हुए हैं। चोर को भी पकड़ा है? चोर को भी रगे हाथ पकड़ा है और बातचीत से ऐसा समझ में भी आ रहा है कि उनका पूरा ग्रोह सक्रिय है इसमें। लेकिन अभी दो लड़के वहाँ पे चोरी करते दिख रहे थे लेकिन एक भाग गया और एक को दबोच लिया गया। अभी तक कितने नहीं पकड़ा, एक ही गया है लेकिन एक भाग गया है। चोरी कितने की हो चुकी है? चोरी जो है हमारे यहाँ पे दमोह में अगर बात की जाए तो हमारे जो पिलर लगे हुए थे, एक तो ये एवरेस्ट लाज के पास एक पिलर लगा हुआ था, एक महिला बस्ती के पास लगा हुआ था, एक क्रिश्चियन कॉलोनी में लगा हुआ था, एक इंदिरा कॉलोनी में लगा हुआ था। तो इन 4 पिलर में तो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है अभी पिछले करीब 10-15 दिनों के दरमियान। लेकिन जो मतलब जो उससे हमारे नंबर ही प्रभावित हो रहे थे, फिर आज हम लोगों ने हमारी टीम जो है थोड़ा सा विजिट कर रही थी इस संदर्भ में कि क्या बात है और उसको नज़र रख रही थी, तो आज जटाशंकर में जो देखा तो वहाँ ये समझ में आ गया कि यहाँ यही है। इसके अलावा और भी चोरी हो सकती है क्या जो आप लोगों को पता नहीं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि क्या है कि अभी लैंडलाइन कनेक्शन जो है थोड़े से मतलब कई जगह पे जो हमारी डीपी जो है वो निष्क्रिय पड़ी हुई है, तो हो सकता है जब एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग कंप्लेंट आती है तब हम लोग फील्ड में पहुँच पाते हैं और यदि कंप्लेंट बढ़ती है तो फिर उसके बाद पेट्रोलिंग भी करते हैं। लेकिन हो भी सकता है कि ऐसी कई डीपी हो जो अभी सक्रिय नहीं थी और वो चोरी हो चुकी है, अब हम फिर से पूरी बजट करवाना पड़ेगी पूरे दमोह जिले की। जितनी भी चोरी हुई है उसके आज तक कोई एफआईआर की है आपके पास? पहले का मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ, पहले एफआईआर हुई है इस मामले में, कई एफआईआर हुई है। कितनी एफआईआर हो चुकी है? अब हम पता करना पड़ेगा, मुझे इसकी जानकारी अभी अब नहीं दे पाएंगे, तात्कालिक नहीं है कि एफआईआर हुई है कि नहीं हुई पता करके बताऊँगा।